हेलो दोस्तों, ए के जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं न्यू अपडेट के साथ जुड़ा हूँ। ये अपडेट निकल के आ रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022 का है। टोटल पोस्ट इसमें 38,926 आप देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा बम्पर वैकेंसी निकल के आ रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस में। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें मांग रखा है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। मैं सारे डिटेल आपको बताने वाला हूँ, कैसे हो A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अपडेट की ओर कि क्या अपडेट आ रहा है। ये अपडेट है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये आपका निकल के आ रहा है। ये है आपका डाक सेवा का रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, और इसमें दो पोस्ट है आप देख सकते हैं। एक है BPM और एक है ABPPM, दो है। और इसका जो एप्लीकेशन लिंक है ऑनलाइन सबमिट करना है, आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इंडिया पोस्ट ऑफिस SOonline.gov.in पे आपको करना है। ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने फॉर्म नहीं भराया तो जल्दी से फॉर्म भरे जिससे आपको सिलेक्शन का चांस हो। और इसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट पे है, आप देख सकते हैं डेट शेड्यूल किया गया है। इसमें आपका डेट है 2 मई 2022 से लेकर 6 जून 2022 तक के फॉर्म भरे जाएंगे, आप देख सकते हैं। और जो इसमें आपका मिनिमम जो 4 आवर्स का जो लेवल है उसमें 12,000 और इसमें आपको 10,000 मिलेंगे मिनिमम, ये 4 घंटे की है। और आप देख सकते हैं आपके साइड ये है एप्लीकेशन भरने का, आप इस पे जाके अपना लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है मैं वो भी बताऊँगा आपको। और जो इसमें एज आप देख सकते हैं, एज की एलिजिबिलिटी 18 से लेकर आपको 40 साल तक है, बहुत अच्छे है। इसमें 18 से लेकर 40 साल तक के बच्चे को भर सकते हैं, 18 से लेकर 40 साल तक के हैं। अगर आपसे 18 40 है तो भर सकते हैं। उसमें भी अगर SC ST है तो 5 साल यानी 45 साल, अगर अगर आपको OBC है तो 3 साल, ऐसे देख सकते हैं सारे कैटेगरी का इसमें दिया हुआ है आपका। और इकोनॉमिक व्हीकल यानी EWS में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। और ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, और भी बताने वाला हूँ आपको। और इसमें बता रहा है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो भाषा का सब्जेक्ट है, वो आपको 10th क्लास में होना चाहिए। जो आप रिलेटिव्स जैसे आप दिल्ली से भर रहे हैं तो वहाँ का हिंदी है, और आप UP से भर रहे हैं तो वहाँ का हिंदी है, अगर आप हरियाणा से भरते हैं तो वहाँ का हिंदी है, अगर आप उत्तराखंड भरते हैं तो हिंदी है, तो आपको हिंदी और एक इंग्लिश पेपर लेना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल चाहिए। और ये ऑल ओवर इंडिया का जॉब है, ये ऑल ओवर इंडिया का जॉब है आपके लिए, ऑल ओवर इंडिया का जॉब है। सारे पोस्ट के लिए इसमें भर सकते हो आप। और ये आप देख सकते हैं इसमें है, एक है लोकेशन ब्रांच ऑफिस, जो लोकल ब्रांच ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी आपको जॉब लग सकते हैं। और एक है लोकेशन, आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच ऑफिस। और इसमें जो आपका साइज रखा गया है, मिनिमम आपको ब्रांच ऑफिस तक ही रखा जाएगा, इसमें 100 स्क्वायर मीटर फीट के एरिया पे आपको दिया जाएगा जो आपके ब्रांच होगा वहाँ से, ये आप देख सकते हैं। पावर सप्लाई होगा इसमें आपका, और जो ये आपका मेथड है एप्लीकेशन ये मैंने बता दिया है। फीस इसका ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा आपको अगर SC ST है। इसमें जनरल कैटेगरी की 100 रुपीज़ फीस है, आप देख सकते हैं बहुत कम फीस है, 100 रुपीज़ की फीस है। जो अप्लाई करने का लिंक है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDSOnline.gov.in पे आपको जाना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है। आप देख सकते हैं जो नाम डालना है कैपिटल लेटर में डालना है, 10th के मार्कशीट अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, ये सारे आपको सही से डालने हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अपना पोस्ट पर डालना पड़ेगा आपको, और सिलेक्शन का प्रोसेस देख सकते हैं क्या है इसमें से। जो सिलेक्शन होगा सिर्फ मेरिट बेस पे होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं है। ये 100 रुपीज़ का पेमेंट है, मैंने बता दिया आपको।
अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कैसे है, अगर आप गलत फ़ोटो अपलोड करते हैं, साइज गलत करते हैं, फ़ोटो ब्लर है, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कभी भी करें तो फॉर्म मोबाइल से मत करें, कहीं साइबर कैफे जाए करें, अपने कंप्यूटर से करें, जिससे आपका फ़ोटो सही से आए। जो फोटोग्राफ है रिसेंट होना चाहिए, लेटेस्ट में JPG में होना चाहिए आपको, और मैक्सिमम 50 के भी होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। जो साइन है आपके वो भी देख सकते हैं, JPG में होना चाहिए आपका, और ये आपका जो होना चाहिए 20 के भी होना चाहिए मैक्सिमम साइज। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि आपका क्या रहेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेगा आपका, जो ब्रांच में रहेगा उसको पोस्ट मास्टर रहिएगा आप, और एक रहेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दो आपका रहेगा, दोनों इसमें पोस्ट है इसमें, और नंबर में वैकेंसी अच्छा है। 38,000 के आसपास है, मान सकते हैं कि 38,000 बहुत बड़ा पोस्ट होता है, 38,000 कम नहीं है इसमें। और सिलेक्शन का प्रोसेस आप देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप फिल करते हैं उसके अनुसार होगा आपका। ओनली मेरिट लिस्ट है इसमें, नो एग्ज़ाम, इसमें एग्जामिनेशन कोई नहीं होने वाला है आपका, एग्जामिनेशन इसमें कोई नहीं होगा आपको, नो एग्ज़ाम, ओनली मेरिट लिस्ट है, हिंदी मेरिट लिस्ट है आपका, ये मेरिट लिस्ट जो आपका 10th के मार्कशीट रहेगा उसी पे होगा। और आपको जब फॉर्म भरोगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें आपको मेल या SMS आएगा, जिसके थ्रू आप OTP डाल के फॉर्म को अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं जब सिलेक्शन हो। और ये सिस्टम, जिसके पास ग्रेड है 10th के मार्कशीट में वो ग्रेड डालेंगे, जिसके पास ग्रेड पॉइंट है वही नंबर डालेंगे, जिसके पास मल्टी फैक्टर है उसके पास 9.5 है वो डालेंगे। इसमें तीन ऑप्शन है, जिनका परसेंटेज है वो परसेंटेज डालेंगे अपना 10th के मार्कशीट से अकॉर्डिंग। और इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपके लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड ऑफ पोस्ट सर्वर राइट टू मोडिफाई कैंसिल, यानी हम मोडिफाई नहीं कर सकते, एक बार फॉर्म भर दिए वही आपका फॉर्म रहेगा, जो फॉर्म भर वो रिसिप्ट आपके साथ रहना चाहिए। और इसमें मिनिमम 10th पास मांगा गया है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ मिनिमम 10th पास है इसमें, कि आपके पास 10th पास होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है, मैंने आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ के लिए भर सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मैं लिंक पे आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना है तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, कि आपको सिर्फ इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालते ही आपको इस पे करना है क्लिक, इस पे मोबाइल नंबर आएगा, OTP भी डालते करते हैं, फिर मेल डालना है इसमें आपको, फिर आपको नाम डालना है, फिर फादर नेम डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है इसमें, फिर आपको जो कैटेगरी है वो डालना है, मेल फीमेल जो है वो डालना है आपको, फिर उसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं, फिर आपको OBC है, SC है, ST है शायद डाल सकते हैं, आपने 10th कहाँ से पास किया है, दिल्ली से किया है, बिहार से किया है, UP से किया है वो डाल सकते हैं, 10th पासिंग ईयर क्या है वो डाल सकते हैं, और इंटर जो ये होता है आपको कैचअप को डालना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते हुए फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ, ये आ गया लॉगिन का ऑप्शन, तो इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सर्किल मतलब कहाँ के लिए अप्लाई करना सकते हैं देख ले सकते हैं आप, इसमें दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, यानी इसमें सारे पोस्ट का वैकेंसी आपको निकल चुका है, बिहार है, असम है, इसमें टोटल वैकेंसी है 38,926 पोस्ट है। अगर ये फॉर्म को आप मिस करते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं आप, देखते हैं इसमें सारे पोस्ट दिया हुआ है, मैंने सारे डिटेल आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है आपको कोई भी डाउटफुल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।